नमस्ते दोस्तों, मैं गुलाम शेख आज का संदेश न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। उल्लासनगर पुलिस आयुक्त की ओर से चोरी किए गए 1,44,00,000 सोने के आभूषण मोबाइल नागरिकों को वितरित किए गए। उल्लासनगर के टाउन हॉल में एक कार्यक्रम में पिछले दिनों नागरिकों के चोरी हुए मोबाइल, सोने के दागिने और कीमती सामान उनको वापस किया गया, जिसमें विधायक गणपत शेठ गायकवाड़, बालाजी किनिकर, किशन कतोरे, कुमार एलानी आदि उपस्थित थे तथा बड़ी संख्या में नागरिक भी उपस्थित थे। थाने सहायक पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय कराड़े, कल्याण के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय शिंदे, उल्लासनगर पुलिस आयुक्त सुधाकर पठारे तथा सभी पुलिस थानों के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, थाने अमलदार, क्राइम ब्रांच के सभी पुलिस कर्मी इस मौके पर उपस्थित थे। कुल 1,44,00,000 रुपए कीमत के सोने के आभूषण मोबाइल फोन नागरिकों को फिर से मिलने पर उन्होंने पुलिस विभाग का आभार माना है। डीसीपी सुधाकर पटारे और ईस्ट रीजन के एडिशनल सीपी दत्तात्रेय शिंदे साहब ने एक मुद्देमाल हस्तांतरण का कार्यक्रम आयोजित किया था। पिछले 6-7 महीने में जो अनफॉर्चुनेट चोरी या रॉबरी की घटना हुई थी उसके डिटेक्शन करके 1,30,00,000 के ऊपर मुद्देमाल हम बरामद कर सके और बाकी कोर्ट की ओर कानूनी पूरी कार्रवाई करने के बाद वो मुद्देमाल हम आज नागरिकों को वापस करने का आज ये कार्यक्रम किया था। नवरात्र उत्सव के अवसर के पार्श्वभूमि पे एक अतिशय उचित ऐसा कार्यक्रम आज आयोजित किया है। मैं नागरिकों को बधाई देता हूँ और इसके बाद थोड़ा चौकन्ना रहने के लिए, सावध रहने के लिए मैं अपेक्षा करता हूँ, आह्वान करता हूँ। थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए, थोड़ा संयम रखना चाहिए और जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन हमें देना चाहिए, चाहे जिसकी चोरी हुई वो हो, चाहे जिसने देखा है वो साक्षीदार हो। जितना इंफॉर्मेशन हमको जल्द से जल्द मिले उतना केसेस डिटेक्ट होने की चांसेस रहते हैं, इसलिए लोगों को भरोसा रखना चाहिए और मदद करना चाहिए और उससे पहले सावध रहना चाहिए कि ताकि चोरी ना ही हो ही ना, और अगर हो भी गई तो भी थोड़ा हमें सहकार्य करें। तो 100% नहीं बोल सकता लेकिन हम कोशिश करेंगे और मिलने के चांसेस काफी ऊंच रहते हैं।